नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद के रतिया में जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह ने की प्रेस वार्ता। जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि पिछले मैनिफेस्टो में जो भी वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी बोले निशान सिंह, कहा भाजपा के जिन नेताओं के पास गाड़ी का टायर बदलवाने के लिए पैसे नहीं थे आज 10-10 लग्जरी गाड़ियां लेकर के घूम रहे हैं, ऐसे नेताओं की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। वहीं 16 अप्रैल तक हरियाणा में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। इन्हें लोगों को लेकर के भी उन्होंने कटाक्ष किया और कहा कि जिस पार्टी के जींद में 3,454 वोट आए हैं वो दुष्यंत चौटाला को चैलेंज करने पर तुले हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को अपना स्वभाव और नीतियाँ चेंज करनी चाहिए, यानी ठीक करनी चाहिए। उन्होंने इनेलो नेताओं को नसीहत तक दे डाली। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला के बाहर आने से इनेलो पर क्या फर्क पड़ेगा या फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर वे टिप्पणी नहीं करना चाहते, मगर इनेलो नेताओं को अपना स्वभाव जरूर बदलना चाहिए और पार्टी की नीतियों के अंदर बदलाव लाना चाहिए। उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला और कहा कि भाजपा ने वर्ष 2014 में चुनाव के मैनिफेस्टो में जारी जो वादे किए थे वो जनता के पूरे नहीं किए। देश और प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करते हैं, मगर बेटियों की हालत क्या है ये पूरा देश जानता है। लोकसभा का प्रत्याशी घोषित करने पर उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल तक वे अपने प्रत्याशी को घोषित कर देंगे। आप देख रहे हैं पलपल। फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। कर रही हूं जो उनकी आज पोजीशन रह गई है हरियाणा की पॉलिटिक्स में, शायद उनको वो याद आ रहा, क्योंकि उनको ये सोच लेना चाहिए कि जींद का उपचुनाव जनमत था, उस रेफरेंडम में चौधरी देवीलाल की विरासत पूरी तरह से मोर लगाई लोगों ने कि दुष्यंत के पास है। 38,000 के करीब वोट आया और जो ये कहते हैं कि एक भी सीट नहीं आएगी वो 3,454 वोट आए। तो ये जो जनमत था वो ये मान के चले कि चुनाव से पूर्व का था, उसी अनुपात के हिसाब हमारी सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी की अभी यात्रा हुई है इकट्ठे करने को लेकर, उनका अब ये बयान आ रहा है कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस एकजुट है और सबसे ज़्यादा सीटें वही हासिल करेगी। देखो जी, कोई भी नेता कुछ भी कहे, सवाल उसका नहीं है, वही कांग्रेस है जिसको 22,500 वोट उस जनमत में आए थे और कैंडिडेट उनका नेशनल लेवल का था, राहुल जी के दाई बाएं रहने वाला था, 850 वोट से जमानत बची थी। तो आज ये कहने से क्या होगा, मोदी जी को जो इतना फ्री हैंड मिला है देश के अंदर लोगों के साथ खिलवाड़ करने का, लोगों को लूटने का, गुमराह करने का, मजहब और जो है ना धर्मों में बांटने का, जातिवाद की बात करने का, वो कांग्रेस की कमजोरी की वजह से मिला है। अगर कांग्रेस के अंदर जान होती तो देश का ही हाल ना होता। बीजेपी के बयान आ रहे हैं बार बार कि विकास के नाम पे वोट उन्हें मिलेंगे और विकास के नाम के जनता के बीच जाएंगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि एक ही मुद्दा ले लो, बाकी सारे छोड़ दो कि कितना इलेक्शन मैनिफेस्टो में उन्होंने प्रॉमिस किया था। मैं ये कहूँगा कि देश के गरीब के करोड़ों खाते खुलवा करके और ये कहा कि 15 लाख डालेंगे जन धन योजना में और 15 पैसे भी नहीं आए 5 वर्षों तक, इतनी जो गरीबों के साथ जो भद्दा मजाक किया है, गुमराह किया है, वायदा खिलाफी की है, इन चीज़ों को देखते हुए मैं मान के चलता हूँ कि विकास कहाँ रह गया। विकास नाम की बात को तो उन्होंने ख़त्म कर दिया, जुमलेबाजी कर दी, हर वर्ग से उन्होंने जो है ना वायदे की वो वायदे पूरे नहीं कर पाए। नौजवानों को 500,000 नौकरियाँ मिलेगी 2 करोड़ साल की, नौजवान जो है ना जब ये कहने लगे कि नौकरियाँ नहीं मिली कि पकौड़े तड़ो और बेचो, ऐसा मजाक अगर प्रधानमंत्री करते हैं तो माफ़ी के काबिल नहीं होता। किसान को कह दिया कि आपकी फसल की इनकम दुगुनी कर देंगे, दुगुनी से कम हो गई, पहले से जो थी वो भी कम हो गई, और किसान के साथ मजाक हुआ। हमारी माताओं को बहनों को कहा था कि सुरक्षा देने का काम करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जो अपराध महिलाओं के खिलाफ इन 5 वर्षों में तो आंकड़े हैं, आज भी RTI लगा करके वो ले सकता है, वो शर्मनाक है। जैसे हुड्डा जी कहा करते कि नंबर 1 हरियाणा है, नंबर 1 तो विकास में कहीं नहीं था, लेकिन अब अपराध में नंबर 1 हो गए। बीजेपी का कहना है कि उन्होंने लगभग भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, क्या मानना है इसका? यहाँ शासन इन्होंने 5 वर्षों तक दिया, भ्रष्टाचार तो इनका कई गुना बढ़ गया। जो इनके नेता हैं
हर नेता के पास कोई विधायक है, कोई मंत्री है, उनके पास ईंटों की फैक्ट्री लगी है इंटरलॉकिंग की, और उनके सिवा दूसरा को फैक्ट्री वाला ईंट नहीं बेच सकता। इस तरीके का उखाड़ उखाड़ के सारी सड़कें वहाँ इंटरलॉकिंग लग रही है। जिनके पास गाड़ियों को टायर डलवाने के पैसे नहीं हुआ करते, आज वो 10-10 लग्जरी गाड़ियाँ लिए फिरते, कहाँ से आया वो सब? वो भी एग्जामिन करना चाहिए उनको कि हमारे विधायक जिस दिन बने थे उनकी माली हालत क्या थी, फाइनेंशियली पोजीशन क्या थी और आज क्या है। तो इसका मतलब उनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए और लोगों के सामने बिल्कुल चिट्ठा पूरा रखना चाहिए, उस दिन क्या पोजीशन थी और आज क्या पोजीशन।